50 आइडियाज फॉर वेडिंग फोटो शूट विद कैमरा एंगल लाइटिंग एंड पोज। कैप्चर द कपल इन अ क्लोज एम्ब्रेस विद अ सॉफ्ट रोमांटिक लाइट सेटअप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको बांधना है कॉपी। अब मुझे जाना है मिडजर्नी पे, इमेजिन पेस्ट एंटर। तो अब मुझे इसने क्या बता के दिया, इसने मुझे बताया कि तुम इस तरीके की फोटो शूट कर सकते हो। और मैंने, मेरे को पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या बोल रहा है, कैप्चर द कपल इन द क्लोज एम्ब्रेस विद अ सॉफ्ट, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, हम देसी आदमी है। मैंने यही उठा के मिडजर्नी पे डाल दिया। अब देखो ये बना के दे रहा है, अब एकदम मस्त चीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये फोटो मुझे अच्छी लग रही है, ये फोटो मुझे अच्छी लग रही है। ठीक है, एक दो सेकंड को अपस्केल किया। मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा, कि मैं चाहता बहुत सारे वेरिएशन बना सकता था, बहुत कुछ बना सकता था। यहाँ जाते हैं और इस पे मेरी फोटो लगा देते हैं। अब लॉजिकली क्या होगा, दोनों पे मेरी फोटो लगने वाली है, दोनों पे इसने मेरी फोटो लगा दी है। यहाँ पे भी मेरे को लगा दिया, यहाँ पे भी मेरे को लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अपनी वाइफ की फोटो सर्च मारनी है, सेव आईडी सिमरन अपलोड। तो ये सिमरन की पुरानी फोटो है। अगेन अगर इस पोज के अंदर मैं चाह रहा हूं, तो मैं अगर इस पोज वाली अपनी फोटो से ट्रेन करता तो वो बहुत अच्छा दिखता, इससे ज्यादा अच्छा दिखता। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा स्लैश सेट आईडी सिमरन। और भी तरीके हैं इसको करने के, पर मैं ये वाला तरीका पसंद करता हूँ, मेरा वर्क फ्लो अच्छा रहता है इसमें। अब ये दोनों को सिमरन कर देगा। ठीक है, इसने दोनों को सिमरन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं खोलता हूँ अपना कैनवा, एक फ्रेम बनाते हैं स्क्वायर का, डिस्कॉर्ड पे जाते हैं, इसको मारते हैं कॉपी, इसको मारते हैं पेस्ट। अब इस पे जाते हैं, इसको मारते हैं कॉपी, वहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मारते हैं पेस्ट, इसको भी बड़ा करते हैं अपन। अब हम क्या करेंगे, साइल करना का फेस क्रॉप करेंगे। अब यहाँ से हो नहीं रहा ना, इसका एक जुगाड़ है मेरे पास में, इसको ऐसे क्लिक करेंगे अपन, एडिट बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है, एडिट और ब्रश साइज लेंगे बड़ा और इसको रिमूव कर देंगे। पैक ये बन गई हमारी फोटो। आई एम गेटिंग मैरिड इन वन मंथ, हेल्प मी क्रिएट माई प्री वेडिंग वीडियो, गिव मी स्क्रीन प्ले फॉर 5 मिनट म्यूजिक वीडियो। कोई गाना देख लेते हैं, रोमांटिक वेडिंग सॉन्ग इंग्लिश, सॉन्ग इज नाइस, है ना। तो ये चीजें मेरे बस की तो नहीं थी ना, सोचना आज मेरे को ये हेल्प करके दे रहा है कि क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना। तो बता रहा है, सॉफ्ट लाइट पोर ऑन द विंडो ऑफ अ ब्राइड एमिली एंड द ग्रूम जॉन वाज सिटिंग टुगेदर एंड कॉजी एयर प्लाडम गाना, फिर बेडरूम का शॉट आएगा, फिर सनसेट शॉट आएगा, फिर ये शॉट आएगा, फिर ये शॉट आएगा, फिर ये शॉट आएगा। चैट जीपीटी पे जाता हूँ और मैंने चैट जीपीटी ने ना अपना एक प्रॉम्प्ट बना रखा है, बेबी फोटो शूट। इसको कॉपी मारना है, इमेजिन, और जो मैंने बनाया है मैंने पूरा पेस्ट मार देना है। मैं कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधा वन क्लिक करके बना रहा हूं। अब तुम कहोगे यार बच्चे का फोटो शूट तो हो गया, पर मेरे बच्चे का फोटो शूट नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर अपनी बेटी की फोटो डालता हूं और उससे ट्रेन करता हूं उसको। मैंने इसमें बॉट डाल रखा है, सेव आईडी करके मेरे को स्क्रीनशॉट वाली फोटो डाल देनी है। ठीक है, मैंने अपनी बेटी की फोटो डाल दी है, नाम लिख दिया इसका यूवी का, स्लैश सेट आई डी यूवी का। अब देखते हैं इसमें से कौन सी फोटो मुझे अच्छी लग रही है। तो मुझे एक दो ये वाली फोटो अच्छी लग रही है। फोर्थ को किया मैंने अप स्केल। अब तुमको दिखाई देगा कि कितना गंदा काम हो गया है एआई की वजह से। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत लो रेस फोटो यूज की है। अगर मैं हाई रेस DSLR वाली फोटो यूज करता तो लेवल एकदम अलग ही होता। थोड़ा थोड़ा है क्योंकि फोटो की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, पर
कर दिया। ये देखो रियल फोटो ऐसी थी। मैं इसमें ना एक और चीज करता हूँ, सेट आईडी साहिल, अब मेरी फोटो बनाते हैं इस पे। बस कहानी क्या है, मेरी फोटो के अंदर दाढ़ी, अगर मेरी फोटो में दाढ़ी ना होती ना तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। तो लॉजिकली क्या करना है, अगर आप बच्चे की फोटोग्राफी की बात करके चलो, बच्चे के 3-4 फोटो पोज ले लो चेहरे के, ठीक है, स्माइल नहीं आ रही बच्चे की, नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे के चेहरे की फोटो ले लो खाली, उसके बाद में यहाँ से फोटो शूट करा लो जैसा फोटो शूट कराना तुमको। ये देखो आ गया साहिल करना, तुम समझ पा रहे होगे ना क्या चीज़ है, मतलब क्या मजे वाली चीज़ है।